पार्टियां डंके की चोट पे बता रही है कि पाकिस्तानियों ने मौला अली का झंडा थाम कर, सैयदना उमर फारूक की शुजात का झंडा थाम कर, शहीद करबला हुसैन इब्ने अली की शुजात का झंडा थाम कर जो जवाब दिया है वो सारी दुनिया ने देखा है। और इंशाल्लाह 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी पाक फौज, अपनी पाक फजाइया और अपने पाक नेवी के शाना बशाना अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह खड़ी होगी। उसके अलावा मैं आज के इवेंट के हवाले से बात करूंगा। आज जो है वो सेकेंड LCFW गोल्ड कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 हो रहा है और उसका आज इफ्तिताह है और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट को कि उन्होंने ख्वातीन के अंदर क्रिकेट की आगही के लिए ये इकदाम किया है। और हमारी पाकिस्तानी कौम भी बड़ी कलंदर किस्म की कौम है। पिछले 6 दिन से इंडिया जो है वो जंग की धमकी दे रहा था, हम PSL खेल रहे थे, हालांकि बाकी कौमों का आलम यह है यूरोप और अमेरिका के अंदर। सूबाई वज़ीर-ए-इत्तला'आत फ़य्याज़ुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर